हेलो एवरीवन, आई एम आंशी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ, ये कि आप अब मई 2020 में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं टैक्सेशन के सब्जेक्ट में, जो कि आपके सीए इंटर में है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और वो डिसअपॉइंटेड होंगे अपने एग्ज़ाम से। तो मैंने एक छोटा सा पोल किया था, आप उस पोल को मेरे डिस्क्रिप्शन में उस पोल का लिंक देख सकते हैं। उस पोल में मैंने बेसिकली यही पूछा था कि अब जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, आपको सोचने का मौका भी मिला होगा, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई आपका सीए इंटर टैक्स का पेपर कैसा हुआ। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि उनको नहीं पता कि उनका अच्छा क्यों नहीं हुआ। तो ये वीडियो मैंने डेडिकेट करिए आप सारे स्टूडेंट्स को, ताकि आप आने वाले दो अटेम्प्ट में मई 20 नवंबर 20 में जो जो आप में से पेपर दे रहे हैं, वो इन अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए, जो कि कंप्लीटली पॉसिबल है, स्पेशली क्योंकि अब एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो ये 13 टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहली टिप है, देखिए 3 P's होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, प्लान, प्रैक्टिस एंड प्रिजर्वरेंस। प्लान का क्या मतलब है? इसमें प्लान का मतलब ये होता है कि आप, जैसे पहले मैं आपको टिप्स बताऊंगी जो आपको पढ़ने के टाइम पे फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये टिप्स बताऊंगी जो आपको एग्जाम के टाइम पे फॉलो करने हैं। तो अभी आप क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस देख के आप ये देखिए कि आप को कितने रिवीजन करने हैं। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन अपने एग्जाम तक कर लेने चाहिए, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ। और कई स्टूडेंट्स जिन्होंने ये 3 रिवीजन्स वाला कंसेप्ट फॉलो किया है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए भी हैं। इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी, उसके 75 out of 75 थे प्रैक्टिकल्स में, यानी कि मेन एग्जाम में। तो आप अपने एग्जाम तक 3 रिवीजन्स आपको करनी है। अब वो 3 रिवीजन कैसे करनी है, ये प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ये प्लान पे मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल को क्लिक कर देना, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। अच्छा, अब प्लान आप जब बनाएंगे, तो आप हमेशा ना इस तरीके से प्लान बनाया करो कि कई बार आप लोग ऐसे प्लान बना लेते हो जो फॉलो कर ही नहीं सकते। मतलब बिल्कुल आप अगर ऐसा प्लान बना लोगे जिस जो आपके लिए फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो प्लान का फायदा ही नहीं है। आप इस तरीके से प्लान बनाइए कि आप बाद में फॉलो कर पाए, आपको खुद से परेशानी ना हो उस प्लान को फॉलो करते हुए। दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस। देखिए, टैक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आपको नॉलेज लेना जरूरी है, लॉ जानना जरूरी है, टैक्सेशन में परसेंटेजेस, एग्जेम्पशन, डिडक्शन सब कुछ जानना जरूरी है, मगर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन ये है कि आपको सारा लॉ पता है, फिर भी आपके पास अगर स्पीड नहीं है, तो आपका एग्जाम पूरा नहीं होगा ना, जो कि एक रीजन था अच्छा एग्जाम ना होने का। इस पोल में मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो अब आपको फिर क्या करना है कि आपको प्लान करना है और फिर आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप बोलेंगे मैम इतना टाइम कहाँ होता है हम पूरे पूरे क्वेश्चन करें। तो मैंने प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चन करने। देखिए, आप जो है खाली कैलकुलेटर उठाइए, उस पर कैलकुलेशंस करिए। ऑल्दो मैं कहूंगी कम से कम आपको 15 से 16 क्वेश्चन हर चैप्टर में लिख के करने चाहिए विद फॉर्मेट, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस फॉर्मेट में करने में, है ना। क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो आप फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें फिगर्स डालेंगे, फिर नीचे उसका लॉ लिखेंगे, सब चीजों में टाइम लगेगा ना। तो आपको ऐसे भी कम से कम 15-16 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप कैलकुलेटर में तो प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए ना। तीसरा आता है प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस होता है कि भाई जब तक आपका एक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, उस पे लगे रहना। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में नहीं हो रहा, जैसे आपसे कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, या कोई चैप्टर नहीं हो रहा, जैसे टैक्स में पीजीबीपी और कैपिटल गेन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ देते हैं, तो आप उसको छोड़िए मत, आप उसमें लगे रहिए। इसको बोलते हैं प्रिजर्वरेंस। तो ये थे आपके 3 P's। दूसरा टिप आता है आपका कि नो सेलेक्टिव स्टडी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम हम क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या करें कि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो अब आप मेरी बात को समझिए कि अब आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज में छोटी सी छोटी चीज पूछ सकते हैं। तो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर, ठीक है। और स्पेशली आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करके जाने हैं सारे,
पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल। अब नहीं होता आईसीआई की वेबसाइट पे प्रैक्टिस मैनुअल, मगर 10 ईयर तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं। अब आपको तीसरी टिप बताती हूँ। अब जो आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट है ना, इसमें परसेंटेजेस होते हैं। कई चीजों पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लगता है, कई चीजों पे टीडीएस का रेट डिफरेंट है, कई चीजों पे एग्जेम्पशन का फिगर है, कई चीजों पे डिडक्शन का फिगर है, कहीं पे कोई सीलिंग सेट है, कहीं पे कोई सीलिंग सेट है। तो ये चीज है ना, देखो नॉर्मल सी बात है, मेरे को अभी भी फिगर्स भूल जाती हैं। तो फिगर्स याद आपको कब होंगी? हो सकता है कि आपको लास्ट में जाके फिर फिगर्स भूल जाए, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप पढ़ाई करते समय ये चीज को फॉलो करें कि कुछ पन्ने अलग रखें। उस पन्नों पे आपको क्या लिखना है? खाली फिगर्स और खाली आपके परसेंटेजेस। फिगर्स यानी कि सीलिंग लिमिट्स, और इस लिमिट पे इतना परसेंटेज लगेगा, स्लैब रेट, जहां भी नंबर आ जाए वो चीज आपको इन पन्नों पे लिखनी है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, कुछ लोगों से, कुछ स्टूडेंट से, कुछ लोगों से फिगर्स वाली चीजें याद नहीं रहती हैं, वो जल्दी भूल जाती हैं, है ना। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। अब देखिए, आपको ना कुछ मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करने हैं 100 मार्क्स के। अब आपने एग्जाम प्रिपरेशन कर लिया, मगर मॉक टेस्ट जैसे समय कुछ दिक्कतें जो मैंने देखी है स्टूडेंट्स को, ये आती हैं कि वो आंसर समझ नहीं पाते कि उनके कंप्लीट है कि नहीं है। क्योंकि ऑल दो आपके पास आंसर्स बुक में होते हैं, मगर तब भी आप मार्किंग नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, या थोड़ा आपने सेक्शन कहीं नहीं लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है, तो आप पता नहीं होता आप खुद की मार्किंग कैसे करें। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे यही बात बताई, तो मैंने एक स्कीम निकाली है। फर्स्ट टाइम मैं आपको जो वीडियो क्लासेस दूंगी, 7500 लेस 25% उसकी फीस है, 5625 टैक्सेशन की, सी इंटरमीडिएट के लिए। और इसमें जो है मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगी। इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, और प्लस प्लस लास्ट में आपको पूरा कोर्स खत्म करने के बाद मैं आपको एक मॉक टेस्ट दूंगी। उस मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर शीट्स मुझे भेजने हैं, तो मैं आपको चेक करके दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टिप पे जाते हैं। आपको ना तोता नहीं बनना है। तोता क्या होता है? आप उसको कुछ बोलो तो वो एज इट इज बोलता है, उसको समझ आए या नहीं आए वो बोलता है। तो आपको, आप नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप एक लाइन पढ़ी फिर आप ऐसे 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 करके उसको याद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो आपको ये काम नहीं करना है। आप समझ के ही लर्न करिए, आप तोते की तरह रटिए मत चीज को, क्योंकि अगर आप आज रट लेंगे तो आपको वो कल ही भूल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आप अभी रटो और आपको रात तक ही भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रटा हुआ है ना, जो चीज समझी हुई होती है अब वही लिख सकते हैं। एक और नुकसान होगा आपको रटने से, कि जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होके आ जाएंगे। तो अगर आपने कोई चीज रटी हुई है तो आप उसके वेरिएंट को आंसर कर नहीं पाओगे। आप वेरिएंट्स को कब आंसर कर सकते हो? जब, बस तभी कर सकते हो जब आपने उस चीज को समझा हुआ हो, तभी तो आपको, जब वो डिफरेंट तरीके से आएगी आप उसको आंसर कर पाओगे ना। तो इसलिए आप ये मंत्र जो है याद कर लो, कि आपको तोते की तरह नहीं लटकना है, तोता नहीं बनना है, आपको समझना है, समझ के याद करना है। अब जब मैं पोल डाल रही थी तो उसमें मैंने ना एक पॉइंट डाल दिया बस ऐसे, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे काम करती हूँ। ऑल्दो देखो, मेरे को कैलकुलेशन मेरी रॉन्ग नहीं होती जब मैं मन दिमाग से करती हूँ, तब भी, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा, मैं माइंड से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेती हूँ। मगर जब मैंने डाला तो मुझे पता नहीं था इस पर भी क्लिक्स आएंगे, वोट आएंगे, मगर कई लोगों ने इस पर भी वोट किया था। वो क्या क्वेश्चन था मैं बताती हूँ, कि मैंने कैलकुलेटर होने के बावजूद कैलकुलेशन हाथ से कर लिए और वो गलत हो गए। तो अब मुझे, अब ये बताइए कि जब एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर है तो आप क्यों हाथ से कैलकुलेशंस कर रहे हैं? अभी 12th तो है नहीं जिसमें आपको जबरदस्ती कोई देख रहा है, ओ हो, ये तो कैलकुलेशन हाथ से कर सकता है, इसको तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सब पे ध्यान नहीं रखना है, आपको ये सब नहीं सोचना है। आप कैलकुलेटर है, उसी को यूज करके कैलकुलेशन करो, अपने दिमाग में विश्वास मत करो, स्पेशली एग्जाम में, क्योंकि वहां पे आपके पास और चांस नहीं है ना। घर पे तो आप करते हो तो चलो फिर से कर लोगे, तभी मैं कहती हूँ घर पे भी आप कैलकुलेटर यूज करिए। आप एग्जाम के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज करना है, इस बात की गांठ बांध लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन से अगर आपसे ठीक नहीं हुए तो सेकंड चांस थोड़ी मिलेगा कैलकुलेशन गलत होने की वजह से। जब सिली मिस्टेक होती है ना तब बड़ा दुख होता है, जब आता नहीं होता ना तो इंसान सोचता है आता ही नहीं था, मुझको पता ही था आता नहीं था। जब कैलकुलेशन गलत हो जाती है ना सिर्फ इस वजह से, तो कितनी तकलीफ होती है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपसे होगा। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो कृपया पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर पे करिए, दिमाग से मत करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको आदत नहीं है दिमाग से कैलकुलेशन करने की, तो आप कैलकुलेटर पे ही करिए, दैट्स इट।
अब अगर मैं आपको एक पेपर चेक करने के लिए दे दूं और उसमें समझ कुछ ना आ रहा हो तो आप मार्क्स कैसे दोगे? आप मार्क्स दे सकते हो, जब आप पेपर पढ़ नहीं पाओगे तो आप मार्क्स नहीं दे सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नीट हैंड राइटिंग में लिखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सुंदर लिख कर आओ, आप कैलीग्राफी सीखो, मैं ये सब नहीं कह रही। आप वो अच्छे 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 आर्टिस्टिकली बनाओ, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आप ऐसे लिखो कि सामने वाले को आपके शब्द समझ आए। कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे लिखते हैं कि गलती से भी ना सामने वाले को समझ आ ना जाए, कैसे समझ लिया उसने हमारा पेपर, हिम्मत कैसे होगी पेपर समझने की। इस थिंकिंग से मुझे लगता है लिख कर आते हैं, क्योंकि तो आप अपनी हैंडराइटिंग नीट रखिए। अगर आप नीट रखेंगे तभी तो सामने वाले को समझ आएगा आपने लिखा क्या है। इससे जो नेक्स्ट टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है। आप ना पैरा छोटे बनाए, 3 से 4 लाइन के पैरा। उससे ना क्या होता है, आप 3 से 4 लाइन के पैरा बनाएंगे नीट हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। उसको ना इस तरीके से समझिए कि आप किसी ढाबे पे गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, मगर जब उसने चाय दी तो जो चाय की प्लेट होती है तो उसमें बाहर चाय गिरी पड़ी थी। क्या आपको अच्छा लगेगा ये सोच के कि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है? तो वैसे अगर आपका आंसर ठीक है मगर अगले को समझ नहीं आ रहा, अगला उसको पढ़ नहीं पा रहा, तो वो मार्क्स नहीं देगा आपको, गए आपके मार्क्स फिर। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, ऑल्दो आपके पास टाइम कम है। मैं सारी चीजें समझती हूँ कि टाइम कम है, मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखूँ, हैंडराइटिंग पे ध्यान रखूँ, या आंसर्स करूँ, मैं कितना करूँ, तो ये सब कुछ सोचने से फिर आप कर नहीं पाओगे ना, अच्छे मार्क्स लेकर आ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे पैरा बनाने हैं और आपको नीट हैंड राइटिंग लिखनी है। वेरी सिंपल, अगर आपको नीट हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप घर पे मॉक टेस्ट करें। वैसे आप मेरे से जुड़ेंगे, अगर मेरी वीडियोस लेंगे तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट दूंगी, उसी पैटर्न पे आप चेकिंग कर सकते हैं अपने और टेस्ट की, और उसी पैटर्न पे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज आ रहा होगा, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आंसर नंबर कहाँ लिखना है। इससे कुछ आपके, जैसे मैं बताया आंसर आप सुंदर लिख कर आएंगे उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ना हमेशा जब भी आंसर शुरू करते हो तो आंसर को मिडल में लिखो। देखो आपको शीट पे दिख रहा होगा, आपको आंसर को कहाँ लिखना है, मिडल में, आंसर नंबर मिडल में। आंसर वर्ड पढ़ा जाना चाहिए, नंबर पढ़ा जाना चाहिए। और ये आई होप आपको पता है कि आपको नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना होता है। जहां भी आपसे हो सके आप सेक्शन नंबर लिखिए, एक्ट का नाम, अगर जैसे कोई और एक्ट कोट कर रहे हैं तो उसका नाम लिखिए। ध्यान रखिए कि एक्ट का नंबर गलत नहीं होना चाहिए, सेक्शन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, सेक्शन में सब सेक्शन लिख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए, क्लॉज सब क्लॉज लिख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज में पर्टिकुलरली ध्यान रखें कि अगर लिख रहे हैं तो ठीक लिखें, जहां लिख सकेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं लिखना है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। जैसे क्वेश्चंस जब टैक्स में आते हैं ना, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ना हमेशा आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए, जिसमें आप एक, देखो अच्छा ठीक है चलो मैं लगा देती हूँ। अब देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये एक आपका कॉम्प्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रॉपर फॉर्मेट से बताया है कि आपको कैसे करना है। इसमें आपको इस तरीके से करना है, आप प्रॉपर पहले लिखो भाई, पहले तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखो, फिर नीचे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में आप सारे जो हेड्स ऑफ इनकम है उसकी कैलकुलेशन दे सकते हो, जो भी आप लॉ कोट करना चाहते हो वो दे सकते हो। तो आप ना ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, उससे ना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा आपका पेपर चेक करते हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ज़्यादा, ठीक है। और ये फॉर्मेट है, आपको और भी कुछ फॉर्मेट चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस डालूंगी कि कैसे कौन से चैप्टर में क्या फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आप और अपना पेपर इंप्रूव कर पाए। तो मैंने ये क्वेश्चन ये लिखा था कि भाई वहां पे जाकर ही मेरा दिमाग बंद हो गया, एग्जाम में जाते ही, एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही। ये मैंने बहुत इंस्टेंसेस भी सुने हैं कि वहां जाके स्टूडेंट सारी रात पढ़े, वहां जाके डर गए, उनको वो भी होश हो गए। तो दिस इज नॉट राइट, आप क्यों ऐसे डरते हो एग्जाम? मतलब एग्जाम है, कोई लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है, मतलब लाइफ गोज ऑन। आप, मैं प्रवचन नहीं देना चाह रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू प्रवचन, मगर स्टिल मैं आपको ये समझाऊंगी। देखिए क्या होता है, आप एग्जाम देने जाते हो, आप पास हो जाते हो और आ जाते हो, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो अगली बार दे देते हो, तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। आप अपनी पेस पर ही एग्जाम को देख
देकर सीए बन सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप फेलियर के लिए तैयार होके जाओ या आप ये सोच के जाओ कोई बात नहीं मैं फेल हो गया, तो ये थॉट से आपको नहीं पढ़ना। आप जब तक पढ़ रहे हो तब तक ये सोचो कि मैंने पास होने के लिए पढ़ना है, मैंने या आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे मार्क्स लाना है या आपका ऑब्जेक्टिव रैंक लाना है या कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, आप उस ऑब्जेक्टिव को सोच के पढ़ाई करो। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपकी मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो आज पास होना ही है। आपको ये मेंटालिटी लेके जानी है कि भाई एग्जाम जैसा भी हो, डिफिकल्ट हो या इजी हो, आई विल गिव माय बेस्ट। अगर ये डिफिकल्ट है तो जो जितने भी बच्चे दे रहे हैं सबके लिए डिफिकल्ट है। जितना परसेंट रिजल्ट आना है उतना परसेंट आना है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे बिना डरे, उस समय आप एग्जाम में लिख कर आओगे, तब आप जो है उस पास होने वाले बच्चों के परसेंटेज में आ सकते हो। अगर आप वहां पे जाकर खाली ये सोचोगे एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है अब मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर आप तो वैसे ही फेल हो गए क्योंकि आप बेहोश हो गए, आप कैसे दोगे उसके बाद। तो आप हमेशा इस मेंटालिटी के साथ जाना एग्जाम में घुसना, तो ये सोचना कि अब जैसा भी पेपर हो आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, मैंने पूरी पढ़ाई करी है, मुझे अपने जो पढ़ाई मैंने करी है उस पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो अब जब मैं पेपर देने जा रहा हूं तो जो भी पेपर आए डिफिकल्ट या इजी मेरे से जैसा होगा मैं उतनी पूरी कोशिश करूंगा। तो इससे ना आपको डर नहीं लगेगा डिफिकल्ट पेपर में। आप अगर इंटरेस्टेड है मेरे वीडियोस में या खाली मॉक टेस्ट लेने में अगर हम इंटरेस्टेड हैं, आप ओनली मॉक टेस्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस पे आप मेरे को मॉक टेस्ट देंगे और फिर मैं आपको चेक करके शीट्स वापस दे दूंगी, तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आपको जैसे भी चाहिए आपके लिए कस्टमाइज हो जाएगी स्कीम, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस बार मई 2020 में आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, हम खाली पास होने का एम नहीं करके चलेंगे, हम चलेंगे ये सोच के कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। जब आप सोचते हैं हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप पास तो हो ही जाते हैं, तो आप ये सोचे जाइए आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वैसे नंबर आ ही गया होगा बीच में, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाएंगे तो आपको मेरा नंबर वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का नाम दोनों मिल जाएंगे, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लस आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और मुझे कमेंट करके बताएं आपका एक घर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो आपका एग्जाम अच्छा क्यों नहीं हुआ। आप मुझे जरूर कमेंट करके ये बात बताइए।